गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट करें। हमारे पास दो कर्व है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो कर्व है वो है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो कर्व है वो है वाई इज इक्वल टू जी एक्स। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू बी पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें इन दोनों कर्व से इंक्लोज्ड एरिया निकालनी है, दैट मीन्स हमें कौन सी एरिया फाइंड आउट करनी है। हमें ये एरिया फाइंड आउट करनी है, दिस वन। तो हम किसी भी रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप लेते हैं और मान लेते हैं कि उसकी विड्थ क्या है dx और हाइट क्या है y, और उस स्ट्रिप को पूरे रीजन के अलोंग मूव कराते हैं तो हमें उस रीजन का एरिया मिल जाता है। यहां पे जो स्ट्रिप है उसकी हाइट मान लीजिए y है, तो y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो y है वो है दिस वन, ये y है, ये पूरा क्या है मान लीजिए ये y1 है। सिमिलरली ये क्या है, ये मान लीजिए y2 है। तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y, इजंट इट। और y1 क्या होगा, y1 है fx, सिमिलरली y2 क्या है gx। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx माइनस gx। तो हमने इस थिन स्ट्रिप की एरिया कैसे दी थी, y dx, और y क्या है fx माइनस gx। तो इस थिन स्ट्रिप की एरिया मान लीजिए अगर dA है तो dA को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप मान लीजिए ये जो एरिया है वो है dA, तो dA को हम लिख सकते हैं y dx। और y क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स dx। और अगर हमें इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हम इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम ए टू बी। सो अगर मान लीजिए टोटल एरिया ए है तो ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमें दो कर्व्स दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बीच में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जी एक्स से बड़ी है, तो हम टोटल एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी। हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व है, और ये जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस कर्व के द्वारा इंक्लोज्ड एरिया अगर हमें निकालना है, मान लीजिए y इज इक्वल टू जी एक्स, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, और x एक्सिस, इन सारे कर्व से इंक्लोज्ड एरिया क्या होगा, ये। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हम एक स्ट्रिप लें और उस स्ट्रिप में ये मान लें कि ये जो डिस्टेंस है वो y है और ये क्या है dx है। तो इस पूरे रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, isn't it, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b,
ये हो गया इस रीजन का एरिया। मान लीजिए ये जो रीजन है वो है ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ रीजन ए बी डी सी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई फ्रॉम ए टू बी, और वाई क्या है, वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये हमें ये एरिया मिल गई। और अगर हम कर्व जी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस के द्वारा इनक्लोज्ड एरिया देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये कंप्लीट एरिया, दिस कंप्लीट एरिया। ये कंप्लीट एरिया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस के द्वारा इनक्लोज्ड है, तो इस कर्व पे कोई पॉइंट एक पी एज्यूम कर लीजिए, तो एरिया ऑफ रीजन ए सी पी डी बी ए दैट मीन्स दिस रीजन, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसमें भी हम एक स्ट्रिप वाई लेंगे और वो स्ट्रिप क्या होगी, दिस वन, इसके लिए वाई इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और अगर इन दोनों कर्व से इंक्लोज्ड एरिया हमें चाहिए, दैट मीन्स अगर हमें ये एरिया चाहिए ये एरिया, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन ए सी पी डी बी ए की एरिया में से हमें ए सी डी बी ए के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तभी तो हमें इस रीजन का एरिया मिलेगा। तो फॉर दिस रीजन, मान लीजिए इस रीजन का एरिया क्या है, ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमें इस रीजन से दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी कौन सा रीजन घटाना होगा, दिस रीजन, और ये रीजन, और इस रीजन की एरिया क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस वन एंड दिस वन इज सेम। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप एक स्ट्रिप वाई मानिए जिसकी वैल्यू है एफ एक्स माइनस जी एक्स और फिर वहां से एरिया कैलकुलेट कीजिए, या फिर पहले आप रीजन इंक्लोज्ड बाई एफ एक्स कैलकुलेट कीजिए और फिर रीजन इंक्लोज्ड बाई जी एक्स कैलकुलेट कीजिए और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, दिस वन।